रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होपफुली ऑल विल बी फाइन। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, यू विल ओपन पेज नंबर 113। नाउ वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 25। टुडे द डेट इज 19th January 2021 एंड द डे इज ट्यूजडे। चैप्टर नंबर 25, इट्स टॉपिक इज़ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, आज़ादी की जद्दोजहद, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। दीज आर टू इम्पॉर्टेंट फिगर्स इन द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। व्हेन ही वी सा दैट आफ्टर द कोलैप्स ऑफ मुगल एम्पायर देयर वाज मच फाइटिंग इन द सब कॉन्टिनेंट एज प्रिंस स्ट्रगल फॉर पावर। हम देखते हैं कि मुगलिया सल्तनत के जवाल के बाद बड़े सगीर में बहुत सी लड़ाइयाँ शुरू होगी, जैसा कि रियासती शहजादे जो है वो अपनी इकतदार के लिए जंग लड़ रहे थे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वाज हैदर अली, आ मुस्लिम आर्मी कमांडर इन द हिंदू स्टेट ऑफ मैसूर, जिनमें सबसे एक अहम जो है वो हैदर अली था, जो कि हिंदू रियासत मैसूर का मुस्लिम आर्मी कमांडर था। हु इन 1761 बिकेम द रियल रूलर, जो कि 1761 में से ही हुक्मरान बना। विद द ओल्ड राजा कन्फाइंड इन हिज पैलेस, और पुराने राजा को उसके महल में ही मुकैद कर दिया गया। हैदर अली वाज अ वाइज इफेक्टिव एंड जस्ट रूलर एंड अ फाइन जनरल, लव्ड बाय बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज। हैदर अली जो है बहुत अक्लमंद, मुतासिरकुन और एक जो है जरी जनरल था, जो कि हिंदू और मुसलमानों दोनों से प्यार करता था। ही हेटेड द ब्रिटिश, होम ही सा एज द राइजिंग पावर इन द सब कॉन्टिनेंट, वो अंग्रेज़ों से शदीद नफरत करता था और वो उन्हें बड़े सगीर में एक उभरती हुई ताकत के तौर पर देख रहा था। इन द सेकेंड मैसूर वॉर 1782-84 हैदर अली इन्वेडेड द ब्रिटिश कंट्रोल कर्नाटक एंड डिफीटेड ऑल द फोर्सेज सेंट अगेंस्ट हिम। मैसूर की दूसरी जंग में हैदर अली ने जो है ब्रिटिश कंट्रोल्ड कर्नाटक में भी हमला किया और तमाम कुव्वतों को शिकस्त दी जो उसके खिलाफ जंग लड़ने के लिए भेजी गई थी। टीपू सुल्तान वाज वेरी मच लाइक हिज फादर, टीपू सुल्तान अपने बाप की तरह थी, बट एन इवन मोर डिटर्मेंट जनरल, बल्कि उससे भी ज़्यादा पुरअज़म जनरल था। व्हेन द फ्रेंच कुड नॉट हेल्प हिम अगेंस्ट द ब्रिटिश आफ्टर साइनिंग द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, जब फ्रांसीसियों ने टीपू सुल्तान के साथ जो है वर्सेल्स का माहदा होने के बावजूद अंग्रेज़ों के खिलाफ उसकी मदद नहीं की। टीपू सुल्तान साइन द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन 1784 विद द ब्रिटिश, अंडर विच ईच साइड गेव बैक लैंड एंड प्रिजनर्स। तो टीपू सुल्तान ने 1784 में अंग्रेज़ों के साथ एक माहदा किया जिसके तहत दोनों अतराफ ने एक दूसरे की ज़मीन और कैदियों को वापस किया। द थर्ड वार 1792 वाज अ सक्सेसफुल ऑन द टीपू हु डिफीटेड द ब्रिटिश अंटिल एट लास्ट दे रिसीव्ड फ्रेश सप्लाइज एंड रीएनफोर्समेंट एंड ड्रोव टीपूज बैक द फोर्ट ऑफ सेरिंगापटम। और मैसूर की तीसरी जंग में जो है वो अंग्रेज़ों को शिकस्त हुई, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने जो है अपनी ताज़ा सप्लाई यानी सामान रसद हासिल किया। टीपू बैक इनटू द फोर्ट ऑफ सेरिंगापटम, टीपू जो है टीपू सुल्तान वापस सेरिंगापटम के किले में चला गया। हेयर अगेन, यहाँ से दोबारा ही वॉज फोर्स टू साइन अ ट्रीटी गिविंग अवे हाफ ऑफ हिज किंगडम, और यहाँ दोबारा उसे एक माहदा करने के लिए मजबूर किया गया कि उसकी सल्तनत का आधा हिस्सा जो है वो उसे अंग्रेज़ों को दे दिया जाए। सम टू द निज़ाम एंड सम टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, कुछ निज़ाम को और कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी को उसकी सल्तनत का आधा हिस्सा दे दिया जाए। टीपू वॉज नाउ इन अ डेस्परेट पोजिशन, टीपू सुल्तान जो है वो अब एक मायूस कुन पोजीशन में था, बट डिटर्मिन टू फाइट ऑन, लेकिन वो जंग जारी रखने का अज़्म किए हुए था। एज़ ऑल ऑफ द सेंट्रल एंड साउथ इंडियन स्टेट्स वर अगेंस्ट हिम, चूँकि तमाम मरकज़ी और जनूबी हिंदुस्तानी रियासतें उसके खिलाफ थी। ही ट्राई टू गेट हेल्प फ्राम अरेबिया, उसने अरबों से जो है वो अरबों और तुर्की और अफ़गानिस्तान से मदद हासिल करने की कोशिश की, बट नॉन केम, लेकिन कोई भी नहीं आया। टीपूज आर्मी फाइटिंग ऑल द वे, टीपू की फ़ौज जो है वो हर तरह से लड़ती रही। वो फोर्स सेट बैक टू सेरिंगापटम, और बलाहर उन्हें सेरिंगापटम में वापस जाने पर मजबूर होना पड़ा। विच वाज बिसाइड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर बिफोर द ब्रिटिश मैनेज टू ब्रेक अ गैप इन द वॉल्स, और तकरीबन एक साल का अरसा लगा जब अंग्रेज़ों ने जो है वो किले की दीवारों में एक बहुत बड़ा गैप जो है वो करने में वो कामयाब हो गए।
Tipu led his men defending the broken barricades and was killed sword in hand. Tipu Sultan ने जो है अपने सिपाहियों को टूटी हुई जो है किले की दीवारों को बैरकों की हिफाजत करने का हुक्म दिया और हाथ में तलवार लिए वो मर गया. अदरवाइज दूसरी जंगें फारसी क्वार्टर्स ऑफ अ सेंचुरी सदी के तीन तहाई हिस्से में वाज अगेंस्ट द ऑक्यूपाइड ऑफ द कंट्री ब्रोक आउट ऑल ओवर द इंडिया. तमाम हिंदुस्तान में जो है वो कब्ज़ा करने के लिए जंगें छिड़ गईं. द ब्रिटिश वर फोर्स्ड टू फाइट वार्स अगेंस्ट द फॉलोइंग और अंग्रेज़ों ने जो है 10,000 जंगें लड़ीं. द रोहिलास 1773 टू 1774 1773 से लेकर 1774 तक रोहिलास के ख़िलाफ़ जंगें लड़ीं. द मराठा 1775 टू 1803 1817 और मराठास के खिलाफ जंगें लड़ी 1775 1803 1804 1817 1818. द मैसूर वास 1769 1780 1790 टू 92 एंड 1798 टू 99 एंड द फोर्थ वन इज़ द गुरकास 1814 टू 1816 द सिक्स 1845 to 1846 and 1848 to 49. Almost all of these wars followed a similar pattern. तकरीबन तमाम जंगों में एक ही तरह का पैटर्न जो है वो इस्तेमाल किया गया. A first Indian state who won battles after battle. At first पहले तौर पर जो है इंडियन रियासतें जंगों पर जंगें जीती जाती. बट द ब्रिटिश अवेज सीम टू ब्रिंग बेटर वेपन्स टू विन द फाइनल वन. लेकिन अंग्रेज़ आखिरी जंग जीतने के लिए बहुत बेहतरीन वेपन और हथियार लाते. द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जंग आज़ादी बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी 19वीं सदी के आखिरी जो है वो अशरे में ब्रिटिश वाज द रिचेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड. अंग्रेज़ जो है वो दुनिया की सबसे अमीर तरीन और ताकतवर तरीन कौम थे. नेपोलियन द रूलर ऑफ फ्रांस हैड बीन डिफीटेड एट वाटरलू एंड वाज नो लॉन्गर अ थ्रेट. नेपोलियन जो कि फ्रांस का हुक्मरान था उसको वाटरलू के नाम पे शिकस्त हुई और वो एक बहुत बड़ा ख़तरा अब नहीं रहा था.